खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। कह रहे हैं वो आपको एक बार सुनाते हैं। नेतृत्व के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर सतीश पूनिया जी का, महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी का और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का, हमारे वरिष्ठ नेता गुलाब जी कटारिया का और सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से पार्टी का संगठन का काम कर रहा हूं और उसके कारण उन्होंने जो मुझे अवसर प्रदान किया है और उसके लिए मैं प्रदेश के विकास के लिए, हमारे मारवाड़ के विकास के लिए सदैव काम करता रहूँगा और विशेषकर राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं का और मुझे प्रेम स्नेह और विश्वास मिला है। उसके अलावा हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनका भी मुझे हमेशा विश्वास और आशीर्वाद रहा है और राष्ट्रीय नेताओं का भी आशीर्वाद रहा है और उसके कारण जो मुझे अवसर प्रदान किया है मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सब कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता रहूँगा। जेल भी गए, पानी भी लाए और अब राज्यसभा जाएंगे, आपको देखो जेल जाना लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष था और वो संघर्ष में हम लोग सारे पुनः स्थापना लोकतंत्र की। जब जब मुझे अवसर मिला जोधपुर के विकास के लिए, मैं चाहे विधायक के नाते, मंत्री के नाते, और मैंने जोधपुर का विकास किया। जब मैं जेडीएम में यूआईटी में था तो नगर के विकास के लिए कार्य किया और जब विधायक था तो पश्चिमी राजस्थान की अनेकों समस्याओं को उठाया, पीछे सीमांत क्षेत्र की, रेगिस्तान क्षेत्र की और पीने के पानी के लिए हमेशा मैं संघर्ष करता रहा, उसकी समस्या के समाधान के काम करता रहा। आपको उम्मीद थी कि कभी तो आपको पार्षद का चुनाव लड़ा दिया और अब सीधा ये भारतीय जनता पार्टी है, वंशवादी नहीं चलते हैं। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे सतीश जी पूनिया, चंद्रशेखर जी, वसुंधरा जी चिंता करते रहते हैं। तो राजेंद्र गहलोत को आपने सुना, राजस्थान से उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो काम करते आए हैं वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और भगवान के चरणों में धोक लगाई और सफलता की कामना भी उन्होंने की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और अपने शीर्ष नेताओं का शुक्रिया अदा भी किया। एक छोटे